वेलकम टू डिफेंस वेलफेयर अपडेट्स। आज हम आपके लिए खास सब्जेक्ट लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं राकेश शर्मा, प्रेसिडेंट नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्राई सिटी चंडीगढ़। हमारे पास बहुत सारे सर्विंग एक्स सर्विसमैन के कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप आते हैं कि क्या टोल टैक्स एग्जम्प्टेड है सर्विंग एक्स सर्विसमैन के लिए। इस पर बहुत सारे आप देखेंगे, कई बार सर्कुलर नेट पर आता है, व्हाट्सअप पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, फेसबुक पे आता है। आज मैं आप सबको क्लियर करने वाला हूँ और एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा ताकि आपको कोई डाउट न रहे, कोई संदेह न रहे। सबसे पहली बात है, जो एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि टोल प्लाजा पे जो टोल कर्मी है, कई बार हमारे सर्विंग एक्स सर्विसमैन के फैमिली से, लोगों से बदतमीजी करते हैं। देखिए, टोल देना सरकार ने अपनी एक नीति बना रखी है, जो हर किसी एक संभ्रांत नागरिक का फर्ज है, चाहे वो सेना में हो, सेना से रिटायर्ड हो, चाहे एक आम सिविलियन हो। अब हम आते हैं सबसे पहले जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, जो 1901 में जो बना हुआ था, आर्मी और एयरफोर्स एक्ट 1901, उसके अनुसार सर्विंग पर्सनल, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हों, उनके लिए जब वो ऑफिशियल ड्यूटी में है तो उनके लिए टोल टैक्स फ्री है। अब इसमें एक संदेह और आता है, क्या अगर वो अपने पर्सनल व्हीकल से हैं? अगर सरकारी व्हीकल में है तब तो ये सवाल नहीं आता है। अगर वो अपने पर्सनल व्हीकल से हैं तो क्या ये टोल टैक्स फ्री है? इसका भी सर्कुलर में क्लियर कट है, जो 2023 में बाद में आया है, कि जो भी ऑफिशियली ड्यूटी पे हैं, जो जा रहे हैं, उनको एक अपना आई कार्ड दिखाना होगा। परंतु इसके साथ भी एक बड़ी समस्या होती है, जो टोल एम्प्लाई होते हैं, क्या उनका माइंडसेट उस लेवल का है? क्या हम हर किसी को सेना का आई कार्ड दिखा सकते हैं? इसके लिए भी सर्कुलर में क्लियर कट जो दिया गया है, जो बताया गया है कि उसके लिए टोल कर्मी के जो सीनियर अधिकारी हो, उनको आई कार्ड अगर लगता है तो दिखाना चाहिए और टोल टैक्स का जो एग्जम्पशन है उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात आती है, भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा सम्मान है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, लोगों के दिलों में। अगर यहाँ मैं बात करूँ कि जब टोल प्लाजा पे बात आती है तो सर्कुलर में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि किसी कारण से अगर लगता है कि वो ऑफिशियल ड्यूटी पे है नहीं है, तो इसमें बहस न करके जो हम एक बात करते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, वो हमेशा जो डिफेंस पर्सनल को, उनकी फैमिलीज को जरूर मिलना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह का बदतमीजी करने का, उनसे बहस करने का किसी भी NHAI या टोल कर्मी को कोई अधिकार नहीं है। उनका सम्मान करना चाहिए और गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस ऑलरेडी 2023 के सर्कुलर में जारी किया हुआ है। अब जो बहुत सारे हमारे दोस्तों का अधिकांश टाइम में टोल प्लाजा पे कुछ परेशानी आती है, कोई बात होती है तो कॉल आता है। हमने अपने, अगर मैं बात करूं, एक सर्विसमैन की टीम में सर्कुलर दिया हुआ है, अगर आप किसी को चाहिए तो हम अपने व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से आपको सर्कुलर दे सकते हैं और आप उसको किसी भी टोल पे दिखा के एग्जम्पशन अपना जो आपका बनता है ले सकते हैं। सबसे प्रमुख पॉइंट जो आता है, क्या एक सर्विसमैन, जो लोग सेना से, वायुसेना से, नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्या उनको भी टोल प्लाजा पे छूट मिलेगा? तो इसका जो लेटेस्ट सर्कुलर है उसके अनुसार जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो सेवानिवृत्त हैं सेना से, वायुसेना से, नौसेना से, उनको कोई भी छूट का प्रावधान नहीं है। तो एक क्लियर, अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट का सर्कुलर है, NHAI का सर्कुलर है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जो पॉलिसीज है टोल टैक्स पे सर्विंग और एक्स सर्विसमैन के लिए, कि क्या हमें बेनिफिट टोल फ्री है नहीं है, सारी जानकारी मैंने आपको अपडेट कर दी है और जो आपके मन में संदेह है उसका निवारण किया है। आगे गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आ रही है जिसमें कई बार क्या होता है कि हम कोई टोल क्रॉस करते हैं, 2-4 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, होता क्या है कि हमारा टोल पूरा लग जाता है। अब उसके लिए जिस तरह अधिकांश यूरोपियन कंट्रीज़ में है, चाहे साउथ एशियन कंट्रीज़ में है, कि वहाँ टोल एज पर किलोमीटर होता है,
कि अगर हमने जितना किलोमीटर हाईवे पे ड्राइव किया है उसके अनुसार वो कॉस्ट कैलकुलेट होता है। तो आने वाले टाइम में भारत में भी ये सिस्टम आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने टोल क्रॉस किया, 4-5 किलोमीटर तक हाईवे यूज़ किया, तो आपका एक मिनिमम चार्जेस, क्योंकि जीपीएस से सारा मॉनिटर होगा। 2024 मार्च तक इम्प्लीमेंट होना था, बट आई होप 2-4-6 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इससे सभी लोगों को फ़ायदा रहेगा। और बहुत सारे जो डाउट्स हैं फास्टैग के हैं, टोल के हैं, जो कई बार टोल पे परेशानी होती है, बहुत सारा रश होता है, ख़त्म होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया है। साथियों, ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी नया अपडेट है आप तक पहुँचाऊँ, और आप भी एक छोटी सी जिम्मेदारी समझकर आगे इसको अपने जितने भी पूर्व सैनिक, चाहे जो सर्विंग भी हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, जो सर्विंग हैं, उनको भी अपडेट मिलता रहे, ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, उनके परिवार तक पहुँचाएँ, ताकि उनको आगे परेशानी ना हो और अपडेट मिलता रहे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।